अस्सलामुअलैकुम। इंट्राटेम्पोरल कॉम्प्लिकेशंस को कंटिन्यू करते हुए अब इस हम वीडियो में पढ़ेंगे फेशियल नर्व पैल्सी से रिलेटेड। जो फेशियल नर्व पैल्सी है वो एक्यूट और क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया दोनों से ही रिलेट कर रही होती है। जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है पहले उसकी बात करते हैं। तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है, जो मिडिल ईयर की इन्फ्लेमेशन होती है, सो दैट इन्फ्लेमेशन इज़ बेसिकली स्प्रेड टूवर्ड्स द एपी एंड पैरी न्यूरल मेम्ब्रेन। बेसिकली जो हमारे पास नर्व्स होती हैं दैट आर लाइंड बाय दीज मेम्ब्रेन, सो उनकी कवरिंग है पैरी न्यूरल एपी न्यूरल मेम्ब्रेन। सो ये इन्फ्लेमेशन उस मेम्ब्रेन तक आ जाती है और हमारे पास क्या कर देती है, फेशियल पैरालिसिस कॉज करवा देती है। ये फेशियल नर्व फंक्शन रिवर्सिबल होता है जब आप एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को अच्छे से ट्रीट कर दें, एंटीबायोटिक थेरेपी से इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर लें, तो जो हमारे पास ये इन्फ्लेमेशन है पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी और फेशियल पैरालिसिस भी रिवर्स बैक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, फेशियल नर्व का फंक्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वी हैव क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। सो इसमें क्या होता है, कॉलेस्टेटोमा बन रहा होता है दैट विल लीड्स टू बोनी डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोनी कैनाल ऑफ द फेशियल नर्व। जब फेशियल नर्व की कैनाल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसके जो पैसेज है वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा ऑन द नर्व और एडीमा और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो जाएगा, सो दैट विल लीड टू फेशियल पैरालिसिस। ये फेशियल पैरालिसिस स्टार्ट बहुत अचानक से होती है, लेकिन इसकी जो प्रोग्रेशन होती है सिम्टम्स का वर्सन होना स्लोली प्रोग्रेसिव होता है। अब इसमें हमने करना क्या होता है, जो ग्रैनुलेशन टिश्यू सराउंड कर रहा होता है नर्व को उसे रिमूव कर दिया जाए, नंबर वन इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, या नंबर टू कि जो सेगमेंट ऑफ नर्व कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है आप उसे रिमूव कर दें और वहाँ पे ग्राफ्टिंग कर दी जाए ऑफ द नर्व, रिसेक्ट किया जाए, ग्राफ्टिंग की जाए, और इससे क्या होगा कि जो रिमेनिंग नर्व है वो अपना काम कंटिन्यू रखेगी, जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है उसे रिमूव कर दें ताकि और मज़ीद ख़राबी ना हो। सो ये इसका अनदर ऑप्शन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फेशियल नर्व पैल्सी।